इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि ये बजट प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला बजट है। इनेलो नेता ने कहा कि कृषि, बिजली, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हेल्थ, ग्रामीण विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य ऐसे विभाग हैं जो सीधे जनता से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि बजट में कृषि का हिस्सा जो वर्ष 2016 से 17 में 13.71, वर्ष 2017 से 18 में 12.49, 2018 से 19 में 12.22, 2019 से 20 में 10.31, 2020 से 21 में 12.42 था, अब घटाकर 10.33% कर दिया गया है। प्रदेश की जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 1950 में जहां 50% थी, अब घटकर 5.7% रह गई है। बिजली पर सब्सिडी जो 2016 से 17 में 10.76, वर्ष 2017 से 18 में 6.31, 2018 से 19 में 5.87 और 2019 से 20 में घटकर 4.63% रह गई थी, अब बिल्कुल खत्म कर दी गई है। ट्रांसपोर्ट में बजट का 2016 से 17 में 6.28, 2017 से 18 में 6.23, 2018 से 19 में 4.73 और 2019 से 20 में घटकर 4.12, 2020 से 21 में 3.84 था, अब घटाकर 3.32 कर दिया गया है। पब्लिक हेल्थ में 2016 से 17 में 3.16, 2017 से 18 में 3.31, 2018 से 19 में 3.20, 2019 से 20 में 2.71, 2020 से 21 में 2.51 था, अब घटाकर 2.18% कर दिया गया है। बजट में राशि घटाने से प्रदेश में जन स्वास्थ्य की सेवाएं आम नागरिकों को नहीं मिल पाएंगी। ग्रामीण विकास के लिए 2016 से 17 में 2.94, 2017 से 18 में 4.85, 2018 से 19 में 3.76, 2019 से 20 में 3.83, 2020 से 21 में 4.45 था, अब घटाकर 3.82% कर दिया गया है। पिछले साल ग्रामीण विकास के लिए 6294 करोड़ की राशि आवंटित की गई, लेकिन इस वर्ष ये राशि घटाकर 5599 करोड़ रुपए कर दी गई। इसी तरह इस मद के पूंजीगत खर्चे की राशि पिछले साल 329 करोड़ रुपए थी, इसे इस वर्ष घटाकर 152 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ग्रामीण विकास में बजट की राशि को घटाने से ग्रामीण विकास रुक जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में 2016 से 17 में 13.34, 2017 से 18 में 14.24, 2018 से 19 में 12.96, 2019 से 20 में 11.61, 2020 से 21 में 14.17 था, अब घटाकर 12.14% कर दिया गया है। प्रदेश में 44,000 पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं। बजट घटने के कारण न तो शिक्षक भर्ती हो पाएंगे और न ही शिक्षा का स्तर बढ़ पाएगा। वहीं स्वास्थ्य के लिए जो हिस्सा 2016 से 17 में 3.98, वर्ष 2017 से 18 में 3.75, 2018 से 19 में 4.14, 2019 से 20 में 3.80, 2020 से 21 में 4.57 था, अब मामूली बढ़ाकर 4.70% किया है। प्रदेश में आज 750 डॉक्टरों की कमी है, लेकिन पिछले 6 सालों में इन डॉक्टरों की भर्ती तक नहीं हो पाई, जिसके कारण आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाई। इनेलो नेता ने कहा कि 2000 से लेकर 2005 तक जब इनेलो सरकार थी, तब 1966 से लेकर 2005 तक कुल 23,319 करोड़ रुपए का कर्जा था। उस समय सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया था, जिसमें से 7300 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी के शासनकाल के समय प्रदेश का रेवेन्यू बढ़ा था और आज तक का रिकॉर्ड है कि जो विकास हमारे समय में हुआ वो आज तक हरियाणा प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमारी सरकार 2000 करोड़ रुपए का सरप्लस छोड़कर गई। वर्ष 2014 से 15 में कांग्रेस जब सत्ता से गई, तब प्रदेश पर लगभग 70,000 करोड़ रुपए कर्ज था। आज वर्तमान की भाजपा गठबंधन सरकार पर लगभग 2,43,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। इस वर्ष कर्ज की देनदारी 48,537 करोड़ रखी गई है, जो कुल राशि का 30.80% बनता है। भाजपा सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि पिछले साल कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ, तो लिए गए कर्ज की राशि कहां गई? साफ है कि सारा पैसा सरकार में बैठे लोगों द्वारा डकार लिया गया। हालात ये हैं कि आज प्रदेश में जन्म लेने वाला हर बच्चा 1,00,000 रुपए का कर्जा सिर पर लेकर पैदा होता है। 2008 के बाद प्रदेश में डेफिसिट बढ़ता आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि पर कैपिटा इनकम जो 2020 से 21 में 1,72,000 रुपए थी, अब घटकर 1,63,000 रुपए रह गई है। इनेलो नेता ने कहा कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो एनसीआर में आता है और छोटा प्रदेश होते हुए भी जहां सबसे अधिक उद्योग है, बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर एक पर है। भाजपा की सहयोगी पार्टी जो 75% रोजगार और 11,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का नारा देकर सत्ता में आई है, आज पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवक हमारे प्रदेश में है और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर नौजवानों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी जा रही।
इनेलो नेता ने कहा कि सरकार द्वारा डीसी रेट पर जो नौकरियां दी जाती हैं, आज उसका नाम दुष्यंत कॉन्ट्रैक्ट रेट्स हो गया है। आज हालात ये है कि डीसी रेट पर नौकरी पाने के लिए एक महीने की तनख्वाह बतौर रिश्वत ली जाती है। जो लोग बच्चों का भविष्य सुधारने की बात कहते थे, आज उनको भी लूट लिया है। रजिस्ट्री और शराब घोटाले पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि विधानसभा में कांग्रेस ने इस पर चर्चा तक नहीं की। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र दहिया जो शराब घोटाले में शामिल था, उसे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव में 21 लाख रुपए चंदे के लिए रखे हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को दोनों घोटालों की रिपोर्ट सदन पटल पर रखनी चाहिए और उन सभी का नाम उजागर करना चाहिए जो दोषी हैं। महिला सुरक्षा पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए इनेलो नेता ने कहा कि महिलाओं को अपमानित करना जहां कांग्रेस का कल्चर रहा है, वहीं भाजपा ने कभी महिलाओं का सम्मान किया ही नहीं। भाजपा को अगर महिलाओं के सम्मान का इतना ही ख्याल है तो महिला पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाती, ताकि महिलाओं को उनके साथ हो रहे बलात्कार और उत्पीड़न से निजात मिलती। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अपराध का कारण नशा है। भाजपा जजपा के लोग आज चिट्टे का कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। दोनों ही पार्टियां चिट्टा कारोबारियों को संरक्षण देने का काम कर रही हैं। अब की बार बहुत इस बात को लेकर के अखबारों में लिखा, बहुत सारे चैनलों पे दिखाया गया कि अब की बार बजट के अंदर कृषि के लिए बहुत सारे नए आयाम हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि पहले से बजट जो है वो कम कर दिया। जो वर्ष 2016-17 में कृषि का बजट हरियाणा का था, टोटल बजट का 13.71% था। 17 और 18 के अंदर इसको कम करके बीजेपी की सरकार ने 12.49 कर दिया। 18 और 19 में फिर इसको कम कर दिया, 12.22 कर दिया। फिर 2019 और 20 के अंदर इसको और कम करके इन्होंने 10.31 कर दिया। बस 2021 था, 20 और 21, उसमें ये बजट बढ़ा, उसमें 12.42 हुआ। लेकिन क्योंकि पूरा साल कोविड में निकल गया, इसलिए पैसा खर्च भी नहीं हुआ। अगर ये पैसा नहीं खर्च हुआ तो फिर अब की बार बजट के अंदर पैसा बढ़ना चाहिए था। अब की बार बढ़ाने की बजाय 10.33 कर दिया। एक तरफ तो बड़ा हुआ, मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि हमने कृषि के लिए बजट बढ़ा दिया, लेकिन उनकी अपनी जो किताब है बजट की, उसमें साफ हो गया कि बड़ा नहीं, बढ़ने की बजाय कम हो गया। जहां कृषि में ये हालत है इनकी, वहीं बिजली का जो महकमा है, उस बिजली के अंदर भी बारी बारी कहते हैं कि हम 80,000 ट्यूबवेल को कनेक्शन दे देंगे, और ये कहते हैं कि हम कनेक्शन दे देंगे, कनेक्शन के साथ साथ बिजली की आपूर्ति भी ज्यादा करेंगे, ज्यादा देंगे, 24 घंटे लाइट पूरे प्रदेश में कर देंगे। हालत इनकी ऐसी है कि बिजली पे जो किसान को सब्सिडी मिलती थी हरियाणा में, वो पहले साल जब इनका 16 और 17 का बजट था, उसमें थी टोटल जो जितना खर्चा था उसकी 10.76। वो उसके बाद अगले साल जो है इन्होंने 17-18 में कम करके कर दी 6.31। उसके बाद वर्ष 18 और 19 में फिर इसको कम कर दिया, इसको कर दिया 5.87। और 19-20 के अंदर इसको कम कर दिया इन्होंने, 4.63 कर दिया। और इस 2 साल से कोई सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी देने की बजाय किसान को लूटना शुरू कर दिया। अब की बार बजट का पैसा तो बढ़ा है, पैसा बढ़ने के बाद राशि कम होगी, परसेंटेज कम होगी, 3.32 कर दी। पब्लिक हेल्थ के अंदर भी इसी तरह से पैसा कम हुआ है। पब्लिक हेल्थ के अंदर 16 और 17 के अंदर तो था, कुल जो बजट था उसकी राशि
3.16, 17 और 18 के अंदर ही होगी 3.31, 18-19 में होगी 3.20, 19 और 20 में होगी 2.71 और 20 और 21 में 2.51। अब ये राशि कम होगी, अब की बार जहाँ बढ़नी चाहिए थी वहाँ 2.18 होगी, 18 होगी 2.8, 18। ग्रामीण विकास के ऊपर बहुत शोर मचाते हैं कि हमने बहुत पैसा बढ़ा दिया, बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे, उसमें तो पोल निकल गई इनकी। 2016 और 17 के अंदर तो था ये 2.94, 17 और 18 के अंदर था ये 4.85, 18-19 के अंदर था 3.76, 19 और 20 में था 3.83, 20 और 21 में ये था 4.45। लेकिन इस वक्त कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, कहीं ग्रामीण विकास में पैसा नहीं लगा, तो पैसा ज्यों का त्यों सरकार के पास बचा हुआ था। तो अब की बार बजट बढ़ना चाहिए था, ये इसमें टोटल कम जो हुआ ये देखने वाली चीज है। 20 और 21 के अंदर तो था ये 6,294 हजार करोड़ का प्रावधान था, ये इस बार राशि जो है घटा दी गई है। क्योंकि कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिस डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने किसी में कोई पैसा बढ़ाया हो। जो आप देखो कि जो सबसे जरूरी हमारी जो नीड है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, बिजली है, हेल्थ है, ग्रामीण विकास है, एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है, उन सब में पैसा कम कर दिया। ठीक है, तो आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। ये सर एक सवाल है कि सरकार ने बजट में रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी हो रही है इस साल, ये नहीं दिखाया, तो क्या माना जाए कि ये जो एलोकेशन है ये सब फर्जी है? नहीं है, है ये बजट के ग्लांस में लिखा है, इसमें है लिखा हुआ है, आप पढ़ो पहले उसको सारे को अच्छी तरह से, हमने सारा पढ़ा है। और मैंने जो बात आपके सामने रखी है ये इनकी अपनी जो बुक्स हैं, जो बजट के ऊपर इन्होंने किया है, ये उसी में से निकाल करके आपके सामने बताया है। हाँ है, कौन सा मंत्री कहता है मुझे ये बता। नहीं नहीं, जो मंत्री ये कह रहा है मेरे ख्याल वो अनपढ़ है, फिर उसको शायद पढ़ना नहीं आता, शायद उसने बजट की जो बुक्स है, बजट जो अब की बार उसने निकाल करके नेट से निकाल करके देखा नहीं होगा, या मेरे ख्याल देखना नहीं आता होगा जरूर, वो केवल मैं आपको बताऊं। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन सा, कोई इकोनॉमिक से बीए करके आया हुआ है? है जीडीपी की जो 5% का दायरा है उसके 3.8% जो बता रहे हैं लोन ले रहे हैं वो कह रहे हैं। अब लो जीडीपी भी बता देता हूं आपको, आपको एक जीडीपी का एक उदाहरण देता हूं आपको, आपको सुनकर के हैरानी होगी। जीडीपी जो है हमारे यहाँ सन 1950 में 50% थी कृषि की, जो घट करके 16 पॉइंट कुछ रह गई, और अब की बार वो है जो -5.7 होगी। अब इससे ज्यादा बुरी हालत और क्या करेंगे ये प्रदेश की, जिसका सन 1950 के अंदर है, जो देश में 50% से ज्यादा कृषि की अकेली जीडीपी थी, आज वो हमारे यहाँ माइनस में चली गई। जबकि कृषि के मामले में हम 1950 से अब तक बहुत ज्यादा एडवांस हो गए, लेकिन सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से ये सारी चीजें हुई है। बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बात करी मुख्यमंत्री ने कि हमने 250 रुपये बढ़ाए, 250 बढ़ाने की बजाय अब की बार 63 रुपया बुजुर्गों का खा गई है। आप 250 के हिसाब से 3 महीने का तो खाई गए, अप्रैल से शुरू कर रहे हैं, 1 अप्रैल से, वो 3 महीने का उसका कम करोगे तो ये टोटल पैसा 187 रुपये बनता है। तो 63 रुपया खा गए कि नहीं खा गए बुजुर्गों का?
दिया कहाँ है? दावे तो कर रहे थे हम 5100 देंगे, 11000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, बजाय अपने वायदों को पूरा करने के बजाय उस बुजुर्ग आदमी के भी 63 रुपये महीने के इन्होंने खाने का काम किया है। यहाँ बेहतर नहीं हो? यहाँ जो मैंने कहा है, आप क्या पूछोगे नहीं इनसे? ये दूसरी बात ये है कि एक चर्चा ये भी है कि सीएम सीएम और विधानसभा अध्यक्ष आपके रिजाइन देने के बाद थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। कितने दिन रिलैक्स महसूस करेंगे ये बताओ? उनको सामने फिर मौत दिखाई देवे, कल को जब चुनाव होगा तो वो किसी गांव में कैसे बढ़ेंगे? उनको जहां रिलैक्स हो रहे हैं उतनी चिंता भी सता रही है, नींद भी नहीं आती इनको। ये तो रोज ही सोचा है इलेक्शन कमीशन किसी तरह इसको 1-1.5 साल के लिए आगे कर दे, लेकिन ये चुनाव तो 6 महीने में होगा, और जब 6 महीने में होगा तो मैं एक चीज आपसे कह सकता हूं कि ना कालका में घुस सकते और ना इलाहाबाद में घुस सकते। मुकाबला जनता ने करना, मैंने नहीं करना। मैंने तो बहुत खुली छूट दिया। आप जैसे साथी ने मेरे से पूछ लिया था कि वहां से दिग्विजय लड़ेगा, मैं बोला दिग्विजय क्यों, उसका बाप लड़ ले, उसका भाई लड़ ले। रोज ये कहते थे मेरे लिए भी मारी वजह से अभय सिंह विधानसभा पहुंच गया, अब वो चारों आ जाएंगे लड़ने के लिए, उनको बैम निकल जाएगा, पता चल जाएगा। ये चुनाव इलाहाबाद का अब की बार एक चीज का और फैसला करेगा कि चौधरी देवीलाल का असल वारिस कौन है और चौधरी देवीलाल की नीतियों को कौन आगे ले जा सकता है। इस बात पे इलाहाबाद के लोग इस बाई इलेक्शन में मोर लगाएंगे, ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब ये रोज के ड्रामे जो चौधरी साहब की फोटो लगा करके, ये लड्डू बांटे देना चौधरी साहब की फोटो लगा के, लोगों ने क्या किया इनके साथ, देखा नहीं आपने? हमारे गांव में चुटाला गांव के अंदर कल अजय सिंह का जन्मदिन मना रहे थे, हमारे गांव के अंदर लोगों ने जो लड्डू ये बांट रहे थे वो तो जहां राख के ढेर लगे हुए थे वहां फिंकवा दिए, और इनके विरोध में नारे लगाए। अगर हमारे गांव में विरोध हो सकता है तो फिर स्वागत कहां होगा इनका, ये बता दो मुझे। खट्टर साहब अपने गांव में जा सकता नहीं, ये अपने गांव में जा सकते नहीं, तो बेचारे रात को बढ़ते हैं वो भी अंधेरे में, और वो भी चोर दरवाजों से, पीछे से कोई छोटे मोटे दरवाजे रखे हुए उनमें से घुसते हैं अंदर। अगर सामने से तो आ जाए तो लोग। अच्छा एक और मजे की बात बताता हूँ, इनके स्वाद लेने खातिर इनके नौकर टेलीफोन कर देते हैं किसानों को, कह रहे आ रहे आज के, फिर अगले दिन फिर इनकी तसल्ली के लिए लोग पहुंच जाए। इनके नौकरों पे ज्यादा डांट वट करते हैं, बेचारे गेट खोलने में देरी कर दी और कर दी, तो वो फटाक से फोन मारते हैं, हमारा भी इंटरटेनमेंट हो जाएगा यार हमारा। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।